and graphics and stuff like that. Basically, in this type of learning, AI learns from the data that's already given by the humans. In the second learning, that is visual learning. In this... और अभी आप एक प्रोग्राम में व्हाट्सएप कर रहे हो, है ना? तो देयर आर टू टर्म्स, कंप्यूटर एल्गोरिथम एंड प्रोग्राम. इज देयर एनी सिमिलैरिटी और रिलेशन? एल्गोरिथम्स आर प्रोवाइडेड बाय ह्यूमंस एंड प्रोग्राम्स आर क्रिएटेड बाय द एआई इटसेल्फ और द कंप्यूटर इटसेल्फ थ्रू द एल्गोरिथम्स. दोबारा सुन लो पहले, जो कंप्यूटर एल्गोरिथम है उसको दोबारा सुनो. कंप्यूटर का एल्गोरिथम है ना, उसका और प्रोग्राम के साथ कोई रिलेशन है जो अभी आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? जी बिल्कुल है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर में यहाँ से इंस्ट्रक्शन देते हैं वो एल्गोरिथम से ही कोई प्रोग्राम से क्रिएट करता है. स्टेप्स में होता है जी सर. आप इस ओपिनियन से हैं कि एआई से हमें एक वाली एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है? जी ऑब्वियसली एआई को हम मैनिपुलेट भी कर सकते हैं और एआई को हम एडवांटेज के लिए भी. मेरा क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं बराबर है, एडवांटेज है कि डिसएडवांटेज है? आप इक्वली बोल रहे हैं जिन्हें एडवांटेज है? जी मुझे लगता है कि इक्वली है दोनों, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज एज़ वेल. दूसरा आपने यहाँ पर क्वेश्चन बोला था, आपका जो टॉपिक वो बहुत अच्छा था, ये प्रेजेंटेशन में से बना के लिया आपको? ये मैंने खुद बनाया. वो खुद बनाया?